हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेत ऑल इन वन। आइए दोस्तों, आज मैं आपको दुपट्टे का और डूरमेट बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास दुपट्टा है और इसको हम कट कर लेंगे, इसकी तीन लेयर बना लेंगे और इसको हम तीन लेयर में कट करके और इनको हम गोल ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे गोल फोल्ड करके और इसको आप धागे से ऐसे और डोरी के टाइप में बना लो। इस पे धागा लपेट देंगे तो ये लंबी डोरी हो जाएगी। आप चाहे तो एक कलर का बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें भिन्न भिन्न कलर यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें दो कलर यूज कर सकते हैं, तीन कलर यूज कर सकते हैं। पुराने दुपट्टे, पुरानी साड़ी, जो भी हमारी लॉन्ग हो ताकि ज्यादा जॉइंट ना आए, तो उनके आप इस प्रकार से गोल गोल ऐसे उसको थोड़ा 8 या 10 इंच चौड़ी लेयर कटिंग करके और फिर ऐसे देखिए धागा लपेट लो। एक गट्टी को लेकर के ऐसे आप इसके चारों ओर ऐसे धागे को लपेटोगे तो ये गोल राउंड हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको मशीन के नीचे ऐसे लगा करके और ऐसे इसको बहुत लंबी डोरी बना ली है। ये इसकी मैंने तीन लेयर बना लिया है और कुछ लेयर मैं साड़ी के कपड़े से बनाऊंगी और इन तीन लेयर को मैंने ऐसे देखिए, हम चोटी बनाते हैं वैसे इसकी चोटी बना लूंगी, लंबी चोटी ये जब बन जाएगी। और मैं इसमें दो कलर यूज कर रही हूँ, एक ये दुपट्टे का और एक साड़ी का, तो दो कलर मैं इसमें यूज करूंगी। आप इस प्रकार से दोनों कलर की चोटी बना लो तो ये लॉन्ग चोटी बन जाएगी। ये चोटी दोनों तैयार है मेरी। ये देखिए, ये दुपट्टे वाली है और ये साड़ी वाली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग को ऐसे आप सुई से इसको यहाँ से फिक्स कर लो। जो हमारी शुरुआत है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ इसको थोड़ा सा गोल राउंड करके और सुई से स्टिच कर लो। अब हमें इसको ऐसे गोल फोल्ड कर करके और थोड़ी थोड़ी दूरी से हल्का हल्का स्टिच कर लेना है। सुई ले लो और आप हाथ से इसको स्टिच करते जाओ ताकि ये एकदम अच्छे से और सुंदर बन जाए और कभी खुले भी नहीं। तो बहुत अच्छा आपको ये डूरमेट लगेगा। आप इसको यूज कर सकते हो अपने घर में, पुराने कपड़ों से आप इसे बना सकते हो और जो भी दुपट्टे हैं उनको यूज कर सकते हो, साड़ी के कपड़े यूज कर सकते हो। तो ये मैंने ऊन का दुपट्टा यूज में लिया है और साइड में मैं साड़ी का कपड़ा यूज में लूंगी जिसकी मैंने चोटी बनाई हुई है। अब आप इस प्रकार से इसको गोल राउंड में स्टिच करते जाओ। अब ये फर्स्ट हमारी जो चोटी है वो खत्म हो गई है, सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बीच में आप सेकंड को स्टिच कर लो। ये देखिए, यहां से इसको आप यहां से स्टिच करके और आगे इसको यहाँ पे थोड़ा फिक्स कर लेना है पक्का, ताकि ये ओपन ना हो, यानी कभी भी खुले नहीं। और इसको आप धुलाई कर सकते हो। काफी बार बहने, जब मैं साड़ी बना के तैयार करके और पटली वाली साड़ी बनाती हूँ, तो बहने पूछती है कि ये धुलाई हो सकती है क्या। हम डेली वॉशेबल साड़ियां हैं, वर्क की हो तो क्या हुआ, हम उन्हें धो सकते हैं और वो वॉशेबल होती है। इसी प्रकार से ये जो डूरमेट है ये भी वॉशेबल है, जब भी हमारा खराब हो जाए तो हम इसको और सरफ में धो सकते हैं और साबुन से भी आप इसको धुलाई कर सकते हो। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इसकी फिनिशिंग वैसे ही बनी रहती है और ये बहुत अच्छा भी लगता है और हमारे पुराने कपड़े काम भी आ जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है और अगर आपको देखो ये अच्छी लगे तो आप भी इसको अपने घर पे जरूर बनाइएगा। और पूरा स्टिच करने के बाद बीच में आप इस पे कुछ पैटर्न भी लगा सकते हो, जैसे कोई फ्लावर बना करके या जैसे कोई अच्छी अच्छी छोटी छोटी आपको कपड़े के फूल मार्केट में मिल जाएंगे तो वो भी आप इस पे लगा सकते हो, और जो कि बहुत चिप मिलते हैं, 1-2 रुपए में एक फूल आता है, वो आप 4-5 फूल इस पे लगा सकते हो। बाकी आप ऐसे ही रख सकते हो इसको नॉर्मली, ऐसे ही ये बहुत अच्छा लगता है अपने घर के और पेड़ी के बाहर में आप इसको लगाओगे तो ये वैसे ही अच्छा लगेगा। तो दो कलर का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है, लास्ट के अंदर मैं इसको पूरा ऐसे फिक्स करके पक्का कर दूंगी।
ताकि ये कभी नहीं खुले। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देखो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोज है वो आप वॉच करते रहो, आपको जो नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर लो। अब देखो ये मैंने जो साड़ी का छोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रखा था, ये मैंने इसको आप बीच में रख लो, 12 इंचेज इसको मैंने रखा, उसको मैंने डबल में स्टिच कर लिया है। डबल में स्टिच करके आप इसको ऑन कर लो, जो ऊपर की साइड होती है वहां पे ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लूंगी ऑन साइड को ऐसे डबल करके। ये जैसे इसका ऑन साइड है, इसको यहाँ से पकड़ लिया और ऐसे पूरा डबल करके आपको ऐसे स्टिच कर लेना। जैसे ये देखिए बड़े ऐसे आपको छोटी छोटी टांग ऐसे, और ऐसे इसको, तो ये मैंने पूरी में ऐसे इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे हल्का हल्का खींच लूंगी, और खींचने के बाद देखिए इसका जो ये पैटर्न है इसको हम ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे, ये देखिए। और ये जो फ्लावर है ये मैं इसके बीच में लगा दूंगी, तो ऐसी जो ये बिग साइड का ये जो स्टिच है सिलाई है यहाँ पे आप इसको टाइट स्टिच कर लो, बस इसको कुछ नहीं डबल स्टिच करके और ऐसे फ्लावर बना लेना है। और 3-4 सिलाई से इसको पक्का करके और मैं ऊपर पे लगा दूंगी इसकी, तो ये थोड़ा सा इसको लुक आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो आपका ये सब फ्लावर बिल्कुल तैयार है। अब देखिए इस बीच में मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगी यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं ऐसे स्टिच कर दूंगी, और ये हमारा ऐसे बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको आप नीचे से ये जो सुई है इसको नीचे से थोड़ा सा पक्का कर दो और आपका ये डोरमेट तैयार है। थैंक यू।